नमस्कार दोस्तों, सिप्रोटेक सीरीज के इस एक और प्रैक्टिकल सेशन में आप लोगों का स्वागत है। और पिछले कुछ दिनों से लगातार थ्योरेटिकल सेशन करने के बाद अब हमने ये सोचा था कि एक बार थ्योरेटिकल सेशन जब काफ़ी ठीक ठाक हो जाए तो उसके बाद ही प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी लगातार थ्योरेटिकल सेशन करने के कारण से बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हो गया था। तो अभी जो हमने पहले लास्ट जब हमने थियोटिकल सेशन के बाद प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट किया था लास्ट टाइम, उसमें हमने 7SA522 की कॉन्फ़िगरेशन समझने की कोशिश की थी। रिले सेटिंग समझा था, बाइनरी इनपुट आउटपुट का कॉन्फ़िगरेशन समझा था, लॉजिक्स कैसे क्रिएट करते हैं और 61850 की इंजीनियरिंग कैसे होती है, ये हमने 7SA522 में समझा था। अब आज से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें सीमेंस के BCU की कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है, इसको बेसिकली हम तीन चार अलग अलग सेशंस में करने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम BCU के अंदर इनपुट आउटपुट की कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है उसको समझेंगे। फिर नेक्स्ट हम समझेंगे कि जो BCU के अंदर आपका जो स्क्रीन ड्रॉ किया जाता है, जो हमारे कंट्रोल डिस्प्ले और डिफॉल्ट डिस्प्ले होता है, तो कंट्रोल डिस्प्ले और डिफॉल्ट डिस्प्ले जो दोनों ही होता है उसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं ये देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो BCU के अंदर जो हमारे CFC लॉजिक्स होते हैं वो कैसे क्रिएट किया जाता है, और क्योंकि जो मेजर जो CFC लॉजिक्स होते हैं वो BCU के अंदर ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप के आपको मिलेंगे, डिस्टेंस रिले के अंदर उतना कॉम्प्लिकेटेड CFC लॉजिक्स नहीं होता है। इसके अलावा हम BCU में ऑटो डिक्लोजर फंक्शन सीमेंस के अंदर कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है ये देखेंगे, और एक सेपरेट सेशन में BCU की 61850 इंजीनियरिंग को देखेंगे। आज का जो ये सेशन है इसके लिए भी मैंने पहले से ही एक स्कीम ड्राइंग के कुछ पेजेस जो कि हमारे BCU कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है उसको लिया हुआ है। और बेसिकली जो इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन है वो तो एग्जैक्टली सेम ही रहेगा जैसा 7SA522 में होता है, बस हम एक जनरल स्कीम ड्राइंग ले रहे हैं, उस स्कीम ड्राइंग के हिसाब से अपने BCU के कॉन्फ़िगरेशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब बहुत ज़्यादा समय ना खराब करते हुए सीधा अपने आज के टॉपिक पे पहुँचते हैं और हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर, मैं फिर से डिक्सी वर्जन 4.85 यूज कर रहा हूं, और डिक्सी वर्जन 4.85 को मैंने पहले से ओपन करके रखा हुआ था। और इस डिक्सी के अंदर जो हमारा अपने हिंदी सेशन चल रहा था डिक्सी का, मैं वही सेम ओपन कर लेता हूं अपना प्रोजेक्ट। तो ये हमारा डेमो सेशन हिंदी जो है, लास्ट टाइम हमने इसी में 7SA522 को बनाया हुआ था, तो उसी प्रोजेक्ट को वापस ओपन किया है। और इस फोल्डर के अंदर जो हमने लास्ट टाइम हमने डिस्टेंस रिले को ऐड किया था, और डिस्टेंस रिले के कॉन्फ़िगरेशन, मास्किंग, उसके अलावा CFC और 61850 इंजीनियरिंग, सभी चीज़ हमने समझा था। जब हम 61850 इंजीनियरिंग समझ रहे थे उस टाइम पर हमने गूजिंग के लिए एक BCU को ऐड किया था। तो अब हम उसी BCU में आगे की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इनपुट आउटपुट के लिए। तो ये हमारा BCU है 6MD663, इसको हम डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। तो जब आप इसको डबल क्लिक करेंगे उसके बाद स्लोली स्लोली ये थोड़ी देर बाद ओपन हो जाएगा। तो अभी क्योंकि हम ऑफलाइन वाले प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं इसीलिए मैं ऑफलाइन पे सेलेक्ट करके डायरेक्टली ओपन कर लूँगा, और ये एक मिनट बाद अभी ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद ये आपको इस टाइप से स्क्रीन दिखेगा जो कि एग्जैक्टली सेम है 7SA522 जैसे ही। हम सेटिंग्स के अंदर आएंगे और सेटिंग के अंदर मास्किंग IO में जाएंगे। मास्किंग IO में जाने के बाद ये गूज वाला तो हमारा लास्ट टाइम वाला था, हम सीधा अपना, क्योंकि अब मान लीजिए कि ये हमने एक स्कीम ड्राइंग लिया हुआ है, इस स्कीम ड्राइंग के हिसाब से हमें जो है इनपुट और आउटपुट कॉन्फिगर करना है। तो अभी आप देखेंगे इसमें ये वाला पेज में बहुत सारा इनपुट दिया हुआ है, जैसे CB, आर फेज ओपन, आर फेज क्लोज, वाई फेज ओपन, वाई फेज क्लोज, बी फेज ओपन, बी फेज क्लोज, इसके अलावा आइसोलेटर 89A ओपन क्लोज, 89A पोल डिस्क्रिपेंसी, अर्थ स्विच 89AE ओपन क्लोज, इस टाइप से बहुत सारे सिग्नल्स होंगे जो कि आपके इनपुट के हो सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट पेज पर हमारा जो है कुछ आउटपुट सिग्नल्स होगा, तो हम अगर नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो ये हमारे आउटपुट सिग्नल्स होंगे जो इस वाले BCU के लिए आउटपुट सिग्नल्स हमारे पास दिए गए हैं। तो पहले तो हम इनपुट सिग्नल की बात करेंगे। तो ये हमारा सबसे पहला इनपुट सिग्नल जो है वो है CB, आर फेज ओपन, आर फेज क्लोज, फिर वाई फेज ओपन, वाई फेज क्लोज, और बी फेज ओपन, बी फेज क्लोज। तो जो BCU में ये सभी चीज़ें हमारे लिए किस में आता है, कंट्रोल डिवाइस के अंदर। अभी आप देखेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड वाला जो बहुत सारे आपको टैब दिखेंगे, बहुत सारे रोज दिखेंगे, ये ऑलमोस्ट सेम होते हैं जो डिस्टेंस रिले में है। बस डिफरेंस क्या है, डिस्टेंस रिले में आपको प्रोटेक्शन वाइज सिग्नल्स मिलते हैं और यहाँ पर आपकी कंट्रोल वाइज सिग्नल होते हैं क्योंकि BCU है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास सिग्नल्स मिल रहे हैं डिवाइस जनरल, पावर सिस्टम डाटा 1, पावर सिस्टम डाटा 2, कंट्रोल डिवाइस, प्रोसेस डाटा, और ऑटो डिक्लोजर नहीं है क्योंकि शायद यहाँ पर मैंने ऑटो डिक्लोजर सेलेक्ट नहीं किया हुआ होगा। तो
ऑटो रिक्लोजर फंक्शन क्योंकि मैंने डिसेबल कर रखा है इसलिए वहां पर नहीं दिख रहा था। तो मैं ऑटो रिक्लोजर भी इनेबल कर लेता हूँ। ऑटो रिक्लोजर अगर मैं इनेबल कर लूंगा तो अब मुझे ऑटो रिक्लोजर का टैब भी यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। ये देखिए तो ऑटो रिक्लोजर का टैब भी अभी विजिबल है। इसके अलावा बाकी जितने भी है ये आपके कंट्रोल डिवाइस, कंट्रोल अथॉरिटी, प्रोसेस डाटा, मेजरमेंट, ये सभी डिफॉल्ट्स है और इसमें कैसे कैसे कॉन्फ़िगरेशन किए जाते हैं वो मैं एक एक करके अभी बताऊंगा। गूज जो है वो लास्ट टाइम हमने ऐड किया था, वही सेम चीज़ है। फिर ये नंबर्स, नंबर्स के बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि नंबर्स का यूज होता है जो आपको मैनुअल में कोई चीज़ सर्च करना है उसके लिए। डिस्प्ले टेक्स्ट जो डिस्प्ले होगा आपके इवेंट्स में, आपके एनुंसिएशन में, ट्रिप लॉग में या डीआर में, वो डिस्प्ले टेक्स्ट होता है। लॉन्ग टेक्स्ट जो कि आप उसको कंप्लीट लिख सकते हैं 40 कैरेक्टर्स में। फिर टाइप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स जो कि मैंने 7SA के टाइम पर आपको बताया था, कुछ एडिशनल टाइप्स ऑफ सिग्नल्स है वो आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सोर्स साइड में आपको फिर से सेम चीज दिखेगा, बाइनरी इनपुट। फिर एफ मीन्स फंक्शन की, एस इज फॉर सिस्टम इंटरफेस मीन्स स्काडा, और सी इज फॉर CFC। फिर बाइनरी आउटपुट, इसके बाद LED, LED के बाद आउटपुट बफर मतलब जो आपका इवेंट लॉग और ट्रिप लॉग के लिए होगा वो। फिर डेस्टिनेशन साइड का स्काडा जो कि आपका सिस्टम इंटरफेस, एक्सटेंडेड सिस्टम इंटरफेस और CFC। इसके अलावा यहाँ पर जो है सबसे मेन चीज होता है ये लास्ट के दो, ये लास्ट के दो जो चीज है वो हमारा एक तो आता है डी, डी इज फॉर डिस्प्ले और दूसरा है CM, CM इज फॉर कंट्रोल मेन्यू। डिस्प्ले जो होता है अभी क्या है कि BCU में हमें जो BCU के फ्रंट में HMI होता है वहां से कुछ कमांड एग्जीक्यूट करने होते हैं लोकल के लिए, जैसे ब्रेकर ओपन क्लोज का कमांड हो गया या फिर आपका जो है आइसोलेटर ओपन क्लोज का कमांड हो गया। तो ये सभी चीजें हमें जो है डिस्प्ले वाला इसमें दिखता है, जहां पर कि दो ऑप्शंस होते हैं, कंट्रोल डिस्प्ले एंड डिफॉल्ट डिस्प्ले। तो इसके बारे में हम आने वाले जब हम अपना कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उस टाइम पर बात करेंगे कंट्रोल डिस्प्ले क्या होता है, डिफॉल्ट डिस्प्ले क्या होता है। और जो हमारा CM होता है, CM को कहते हैं हम कंट्रोल मेन्यू। कंट्रोल मेन्यू का मतलब होता है कि इसमें आपको जैसे ब्रेकर का आपका कंट्रोल का तो रहेगा ही रहेगा, इसके अलावा जो हमारे एनालॉग सिग्नल्स वगैरह होते हैं वो सब भी आपको यहाँ पर ही दिख जाएंगे। तो इस टाइप से ये सिर्फ दो एडिशनल चीजें होती है, बाकी सब कुछ जो है वो 7SA 522 टाइप से ही रहता है। तो अब हम आइए अपना कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे। तो ये जो डिफॉल्ट वाले इंटरनल कॉन्फ़िगरेशंस थे पहले के, उसको हम डिलीट कर लेते हैं जिससे कि हमारा अपना वाला एडिट करने के लिए आसान हो जाए। तो पहले हम इंटरनल वाले सारे डिलीट कर देते हैं, और इसको डिलीट करने के टाइम पर वो एरर आएगा क्योंकि आपका CFC इसके थ्रू कुछ कुछ क्रिएटेड होंगे तो इसीलिए वो एरर दिखा रहा है। तो इन सभी को पहले हम, अगर आप चाहते हैं कि नए से कॉन्फ़िगरेशन करना हो तो इसके लिए पहले सबको डिलीट करना आवश्यक है, तो हम इसीलिए सभी को डिलीट कर लेते हैं। तो अब हमने एक एक करके अपने जितने भी इसके अंदर डिफॉल्ट वाले इनपुट थे वो डिलीट कर दिया है, इनपुट आउटपुट। अब हम अपने ड्राइंग के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप देखें हमारा जो फर्स्ट सिग्नल है वो क्या है, CBR फेज ओपन और उसके साथ है CBR फेज क्लोज। बेसिकली ये जो सिग्नल्स होते हैं जैसे ब्रेकर के ओपन क्लोज स्टेटस या आइसोलेटर के ओपन क्लोज स्टेटस, ये हमेशा डबल पॉइंट सिग्नल्स होते हैं। डबल पॉइंट का क्या मतलब है कि इसमें ओपन और क्लोज दोनों सिग्नल्स जो है उसके लिए आपका एक कॉमन DC होगा, कॉमन पॉजिटिव DC जाता है। जब ब्रेकर ओपन होगा तो आपको इनपुट के साइड में हमें DC पॉजिटिव वो एक्सटेंड होकर के मिल जाएगा, अगर ब्रेकर क्लोज है तो क्लोज के टाइम पर मिलेगा। अगर दोनों एक साथ मिल रहा है मतलब ओपन का भी DC पॉजिटिव आ रहा है, क्लोज का भी DC पॉजिटिव, दैट मीन्स वो इनवैलिड स्टेटेड है। दोनों ही DC नहीं आ रहा तो भी इनवैलिड स्टेटस होता है। तो ये होता है डबल पॉइंट सिग्नल। सिंगल पॉइंट सिग्नल जैसे कि हो सकता है आपका मान लीजिए PD ऑपरेटेड, तो ये सिग्नल क्या होगा, या तो PD ऑपरेट होगा या नहीं होगा, या स्प्रिंग चार्ज है तो या तो चार्ज है या डिस्चार्ज है, दो ही स्टेट हो सकते हैं। लेकिन ब्रेकर के स्टेटस हो सकते हैं या आइसोलेटर के स्टेटस है या स्विच के स्टेटस है, तो ये जितने भी होते हैं डबल पॉइंट सिग्नल्स होते हैं। तो अब अगर आप यहाँ पर देखें तो डबल पॉइंट सिग्नल हमेशा क्या होंगे कि आपके दो के कॉम्बिनेशंस में चलेंगे, मतलब बाइनरी इनपुट 1 2 अगर आप देखें तो ये हमारा दो बाइनरी इनपुट जो है ये एक सिग्नल बना रहा है, CBR फेज का ओपन क्लोज स्टेटस। सिमिलरली नेक्स्ट टू बाइनरी इनपुट ये CBY फेज का ओपन क्लोज स्टेटस है, और नेक्स्ट टू बाइनरी इनपुट CBB फेज का स्टेटस है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक सिग्नल ऐड करेंगे जो कि एग्जैक्टली सेम है 7SA के टाइप से। तो इंसर्ट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, उसके अंदर अब आप देखेंगे तो हमारा जो सिग्नल्स होगा वो, क्योंकि डबल पॉइंट सिग्नल है, ब्रेकर में क्या है कि हम कमांड भी दे सकते हैं और स्टेटस भी ले सकते हैं, तो उसके लिए हम आते हैं कंट्रोल विद फीडबैक। अब कंट्रोल विद फीडबैक में आपके पास बहुत सारे टाइप के सिग्नल हो सकते हैं। तो जो हमारा सिग्नल्स हो सकता है वो हम कौन सा लेते हैं, हमारा सिग्नल होगा डबल पॉइंट सिग्नल। डबल पॉइंट क्योंकि हम ब्रेकर का ओपन क्लोज कमांड दे रहे हैं, इसके लिए डबल पॉइंट सिग्नल। और
इसके बाद अब आप इसमें जो है जीरो को नॉट वैलिड ले सकते हैं, इंटरमीडिएट वो हमारे सिंपल डिस्प्ले के लिए होता है, तो मैं दोनों में से कोई भी लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं ले लेता हूँ डबल पॉइंट विद जीरो इक्वल टू नॉट वैलिड। इसका मतलब क्या है कि डबल पॉइंट सिग्नल ही आएगा, लेकिन जब इसमें आउटपुट आएंगे आपको जब इवेंट लॉग ट्रिप लॉग में, और अगर सिग्नल इनवैलिड है मतलब जीरो जीरो आ रहा है, ओपन भी जीरो और क्लोज भी जीरो, तो उसको नॉट वैलिड दिखाएगा। अगर आपने इंटरमीडिएट लिया हुआ है तो वो इंटरमीडिएट दिखाएगा, बस इतना ही फर्क होता है, बाकी सिग्नल वाइज कोई भी फर्क नहीं होता है। और ये जितने भी हैं ये सिंगल डबल पॉइंट सिग्नल है विद वन ट्रिप एंड वन क्लोज। डबल पॉइंट के अंदर हम हमेशा वन ट्रिप वन क्लोज वाले सिग्नल्स लेते हैं अपने ब्रेकर और एक्सलेटर्स वगैरह के लिए, तो आर फेज, वाई फेज और बी फेज, ये हमने तीन सिग्नल ले लिए डबल पॉइंट के। अभी अगर हम ये वाला जो है डबल पॉइंट मीन्स कंट्रोल विद फीडबैक वो लिया है, अगर हमें चाहिए तो हम सिंपल डायरेक्ट सिंपल डबल पॉइंट भी लेते तो भी हमारा काम बन जाता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट डबल पॉइंट लेने से काम नहीं बनेगा, अगर आप डायरेक्ट डबल पॉइंट सिग्नल ले रहे तो भी आपका काम बन जाएगा, क्योंकि हम ब्रेकर के इंडिविजुअल फेजेस को ओपन क्लोज कमांड नहीं देते हैं। हम हमेशा जो कमांड देते हैं वो हम देते हैं ब्रेकर के कंबाइन, मतलब सिंपल ब्रेकर को ओपन या क्लोज कमांड देंगे हम, फेज वाइज ओपन क्लोज कमांड यहाँ से नहीं देते हैं कि आर फेज को ओपन कमांड दे रहे हैं या वाई फेज को ओपन कमांड दे रहे हैं या बी फेज को ओपन कमांड दे रहे हैं। वो ऑटो डिक्लोजर के लिए जो सिंगल फेज ट्रिपिंग कमांड होता है वो प्रोटेक्शन रिले देता है। बीसीयू से हमेशा क्लोज कमांड जाता है, क्लोज कमांड हमेशा थ्री फेज क्लोज कमांड होता है, चाहे एक भी फेज ओपन हो तो क्लोज कमांड हमेशा थ्री फेज ही होता है। तो अगर हम ये सिग्नल ना भी लें और सिंपल डबल पॉइंट भी लेंगे तो भी हमारा काम बन जाएगा, ऐसा नहीं है कि हम सिंपल डबल पॉइंट लेंगे हमारा काम नहीं बनेगा। तो अगर हमने सिंपल डबल पॉइंट लिया हुआ है तो भी हमारा काम बन जाएगा, तो इसीलिए मान लीजिए कि ये तीन जो है मैंने सिंपल डबल पॉइंट सिग्नल ले लिए, और इन तीन सिंपल डबल पॉइंट सिग्नल को मैं असाइन कर देता हूँ सी बी आर ओपन, इसी टाइप से नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास सी बी वाई ओपन, यस अभी मैं ओपन नहीं लिख सकता क्योंकि हमारा ओपन क्लोज तो दोनों हो सकता है ये, तो इसीलिए इसको मैं लिख देता हूँ सी बी आर फेज, और इसको लिख लेता हूँ मैं सी बी वाई फेज, और लास्ट वाला हमारा हो जाएगा सी बी बी फेज। तो इस टाइप से हमारा तीन सिग्नल हो गया आर फेज, वाई फेज, बी फेज, और इसी का लॉन्ग टेक्स्ट में आप नाम रख दीजिए सी बी आर फेज ओपन क्लोज स्टेटस, ओपन क्लोज स्टेटस STATUS। तो ये हमारा आर फेज का ओपन क्लोज स्टेटस हो गया, इसी के साथ से नेम अगर चेंज कर दीजिए बस आप, तो ये हो जाएगा हमारा वाई फेज ओपन क्लोज स्टेटस, और लास्ट वाला हमारा हो जाएगा बी फेज ओपन क्लोज स्टेटस। इन तीन सिग्नल में अब हमारा जो है आप इनपुट असाइन करना, आर फेज के लिए क्या है ओपन क्लोज वन और टू है, जैसे ही हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे तो आप देखिए डबल पॉइंट में एक साथ दो सिग्नल असाइन होते हैं। मैंने जैसे ही कॉन्फ़िगर किया दो सिग्नल असाइन हुए, दो सिग्नल क्यों हुए क्योंकि डबल पॉइंट है वो ऑटोमेटिक फर्स्ट को ओपन और सेकंड को क्लोज ले लेगा। इसी टाइप से थर्ड फोर्थ वाई फेज के लिए कॉन्फ़िगर करिए थर्ड फोर्थ, और फिफ्थ सिग जो है वो आएगा बी फेज के लिए हो जाएगा। फिर हमें आइसोलेटर के भी लेने हैं सिग्नल, अगर आप देखेंगे आपके ड्राइंग में सी बी के अलावा आइसोलेटर के भी सिग्नल है। अभी मैं जो ये सब हमारे सिग्नल से एसेटो 89A ओपन क्लोज वो लूंगा सिर्फ, और स्विच के 89A का ओपन क्लोज, एसेटो 89B का ओपन क्लोज और BE का ओपन क्लोज। इसके अलावा जितने भी ये हमारे सिंगल पॉइंट सिग्नल्स है उसको हम एक साथ ही कुछ सिग्नल्स बस ऐड करके आपको दिखा देंगे, जिससे कि हमारे लिए आसान हो जाए, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही है, ऐसा तो है नहीं कि कुछ बहुत ज़्यादा अलग है। तो 89A स्टेटस, 89A मैं स्टेटस और कमांड इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि अभी आप देखेंगे कि ये जो है मैंने CFD2 वाला लिया है। CFD2 का मतलब क्या है, कमांड विद फीडबैक। कमांड विद फीडबैक में क्या होता है, जैसे ही आप फर्स्ट का जो नाम लिखेंगे वो ऑटोमेटिक सेकंड में कॉपी हो जाता है। मतलब क्या होता है कमांड विद फीडबैक सिग्नल का, ये सिर्फ BCU के अंदर अप्लीकेबल होता है, मेन वन मेन टू में भी कर सकते हैं, मतलब 7SA में भी कर सकते हैं अगर आप 7SA को ऑटो डिक्लोजर फंक्शन के लिए यूज कर रहे तो, नहीं तो BCU में अप्लीकेबल होता है। और इसका मतलब क्या है कि अभी CFD2 का मतलब है कि CF मींस कमांड, C means command, F means feedback, D2 means double command. Double command means open command and close command दोनों दे सकते हैं, और DP means status, double point status. तो CFD2 with DP ये एक common signal बनता है जो control with feedback and control command with feedback, और वो भी double point. तो अभी हमने 89A लिखा तो इसको आप लिख सकते हैं 89A command, और next जो है automatic आप देखेंगे तो copy हो गया, तो इसीलिए हम command अगर लिखेंगे तो हमारे पास सही नहीं है, तो हम सिर्फ 89A लिख के छोड़ देते हैं हमारे समझने के लिए। तो 89A नेक्स्ट इसी टाइप से हम लिख सकते हैं 89B, तो इस साइड भी आप देखेंगे तो 89B आपका ऑटोमेटिक कॉपी हो गया। और उसके बाद हम
अर्थ स्विच ले लेते हैं, तो 89AE। एंड एक और अर्थ स्विच हमें ऐड करना है, तो एक और हम ऐड कर लेंगे, इंसर्ट इन्फॉर्मेशन, और कंट्रोल विद फीडबैक में हमारे पास ये मिलेगा, तो कंट्रोल विद फीडबैक में है, 0 इक्वल टू नोट वैलिड को ले रखा है हमने, और यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं इसको 89BE। तो इस टाइप से हमारे पास सारे आइसोलेटर और ब्रेकर ऐड हो गए। जब एक बार आइसोलेटर ब्रेकर ऐड हो गया, तो अब हमारे पास, अभी तो हमने ब्रेकर के तो कॉन्फ़िगरेशन कर लिए थे, लेकिन आइसोलेटर के नहीं किए हैं। तो अब आइसोलेटर को हम ड्राइंग से देखेंगे। 89A का आपका ओपन क्लोज जो है वो है बाइनरी इनपुट 78, और AE का है 10 11। तो पहले हम A और AE कर लेते हैं, तो A का है 78। तो आप देखेंगे तो CF क्या है, कमांड वाला, कमांड किधर आएगा, आपका आउटपुट साइड में। इसलिए देखिए इनपुट में मुझे ब्लॉक कर रहा है कि इनपुट में नहीं कर सकते, मैं DP में आऊँगा और इसको सिंपल कर दूंगा 78। 10 11 हमारे पास है 89 AE। तो अभी 89 AE जो है वो ये वाला था हमारे पास 89 AE, तो 89 AE के पास हमें जाकर के सीधा बस 10 11, 10 में करूँगा ऑटोमेटिक वो 11 पे ले लेगा। फर्स्ट हमेशा ओपन के लिए होता है, सेकंड हमेशा क्लोज के लिए होता है। अब 89 BE एंड 89 BE अगर मैं देखूँ अपने इस ड्राइंग में, तो मेरे पास 89 BE जो है वो है 14 15, एंड BE जो है वो है 17 18। तो 14 15 पे बी कर देता हूँ, ये हमारा आगे 14, और ये आगे मैं सॉरी 89 BE जो है वो आ जाएगा मेरे पास 14 15, तो इसको मैं कर देता हूँ 14 15, और ये था मेरे पास 10 11 89 AE, और 89 BE जो है वो है 17 18। तो 89 BE में जा करके मैं बस 17 18 करूँगा। तो इस टाइप से हमारे पास, अगर आप देखें तो अभी तक सिर्फ आपका आइसोलेटर का स्टेटस आ गया, आइसोलेटर का कमांड आ गया, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि जो BCU में सिग्नल्स होते हैं वहाँ पर आपको एक दो चीज़ें और लेनी पड़ती है। एक लेना पड़ता है काउंटर्स, कि ब्रेकर का काउंटर ब्रेकर के ओपन क्लोज होने के बाद, और दूसरा इनके इंटरलॉक। इंटरलॉक का सिग्नल तो आपको जो है बेसिकली आपके ड्राइंग में भी मिलेगा, लेकिन जो हमारे पास ऑपरेशनल काउंटर्स होते हैं वो ड्राइंग में नहीं होता है। तो इंटरलॉक बेसिकली क्या है, इंटरलॉक BCU से जब हाई होगा तब आपको ऑपरेशन करने देगा। दैट मीन्स इंटरलॉक हमेशा आउटपुट साइड में होता है। तो अभी हम इंटरलॉक ऐड कर लेते हैं कुछ। तो अब हमारा जो मेन बचता है वो बचता है 89, मतलब आइसोलेटर्स और ब्रेकर्स के इंटरलॉक्स, और आइसोलेटर्स एंड ब्रेकर्स के ऑपरेशन काउंटर्स लेने के लिए। तो इंटरलॉक आपको पता है कि एक सिंगल पॉइंट सिग्नल होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इंटरलॉक या तो हाई होगा या लो होगा। इंटरलॉक इंटरमीडिएट तो कुछ मतलब ही नहीं है कि इंटरलॉक, आप ऐसा तो नहीं बोलेंगे इंटरलॉक इंटरमीडिएट हो गया। इंटरलॉक इंटरमीडिएट होता है, लेकिन वो मैकेनिकल इंटरलॉक हो सकता है। इलेक्ट्रिकल इंटरलॉक या तो हाई होगा या लो होगा। तो इसके लिए अब हम कुछ इंटरलॉक ऐड करेंगे। तो इंसर्ट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, सेम वे इनिशिएशन, और इनिशिएशन के अंदर हम कौन सा लेंगे, अभी हमें जो है इंटरलॉक लेना है। इंटरलॉक के लिए सिंपल आप सिग्नल ले लीजिए, आप इसमें सिंगल पॉइंट, कुछ जगहों पे सिंगल पॉइंट ऑन ऑफ वाला लेते हैं, कुछ जगहों पे जो है कुछ लोग आउटपुट वाले सिग्नल्स ले लेते हैं। तो उनमें से कोई भी लेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम जो है हम अपना इंटरलॉक जो है वो ऑन ऑफ सिंगल पॉइंट सिग्नल लेंगे। तो 89A के लिए एक ले लेता हूँ, एक 89B के लिए ले लेता हूँ, एक अगर मुझे 89AE का बनाना है तो उसके लिए, कितना भी जितना भी हमारे आज पर रिक्वायरमेंट है वो हम इंटरलॉक के लिए ले लेते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए ऑपरेशन काउंटर्स। तो जो हमारे ऑपरेशन काउंटर्स है वो वैल्यू VI में आता है, जो कि आउटपुट स्लो के अंदर मिलेगा मुझे ये वैल्यू इंडिकेशन। तो एक मैं ब्रेकर के लिए ले लेता हूँ, सिमिलरली एक जो है वो मैं ले लूँगा आपको आइसोलेटर्स के लिए। तो इस टाइप से मैंने कुछ वैल्यू इंडिकेशंस ऐड कर लिए हैं। वैल्यू इंडिकेशन या ऑपरेशन काउंटर जो है इसकी रिक्वायरमेंट होती है आपको सिर्फ एस्काडा के लिए, ये आपके बाकी चीज़ों में कुछ काम आने वाला नहीं है। अभी मैं पहले ले लेता हूँ 89A इंटरलॉक, सेम वे 89B इंटरलॉक, 89 AE इंटरलॉक एंड 89 BE इंटरलॉक। उसके बाद इसको ले लेता हूँ मैं 89A काउंटर, 89B काउंटर, CB काउंटर एंड लास्ट ले लेता हूँ मैं 89 AE काउंटर। मतलब ये हमारे एज पर स्कीम है, एज पर रिक्वायरमेंट आप कितना भी लेंगे, ऐसा नहीं है कि आप 89 BE मैंने मिस किया है। मैं सिंपल क्योंकि हमें हर एक में रिपीटेशन ही करना है तो इसीलिए कम ऐड कर रहा हूँ। तो 89A का इंटरलॉक, यहाँ पर इसको मैं फुल नेम लिख लेता हूँ इंटरलॉक। सेम वे नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 89 BE, 89 AE एंड लास्ट हमारा हो जाएगा 89 BE का इंटरलॉक। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाएगा
इसका नाम हम लिख लेते हैं कुछ भी, जो हमारे ये काउंटर्स हो गया, तो 89A का काउंटर हो गया, ये नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास 89B का काउंटर, उसके बाद हमारा हो जाएगा 89AE का काउंटर हो गया एक, और एक हमारा हो जाएगा CB का काउंटर। अब यहाँ तक के बाद अगर आप अपनी स्कीम को देखेंगे तो आपकी स्कीम में क्या है कि आपको मिलेगा सिंपल ब्रेकर का आर फेज, वाई फेज, बी फेज स्टेटस, इंडिविजुअल फेज वाइज। इंडिविजुअल फेज वाइज क्यों है, क्योंकि हमारे ड्राइंग में ये हो सकता है कि ये ड्राइंग जो है ट्रांसमिशन लाइन वाले का हो और वहाँ पर ऑटो रिक्लोज कर रहे हैं, तो इसीलिए ऑटो रिक्लोजर के लिए तो हमें इंडिविजुअल इंडिविजुअल फेज वाइज स्टेटस चाहिए, इसीलिए ओपन क्लोज स्टेटस लिया है। बट हमें क्योंकि हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसमें हम जब क्लोज कमांड देते हैं तो थ्री फेज क्लोज कमांड होता है, हमें जो डिस्प्ले में थ्री फेज ओपन थ्री फेज क्लोज स्टेटस भी आना चाहिए, वो एज पर स्कीम तो है नहीं, तो उसको हमें CFC से फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए अब हम यहाँ पर एक और CFD2 सिग्नल लेंगे, क्योंकि हमें मिलेगा कमांड विद फीडबैक के अंदर, तो हम डबल पॉइंट्स में जाएंगे और एक हमने ऐड कर लिया और इसका हम नाम लिख देते हैं अभी CB। तो ये हमारा CB हो गया और ये CB का ओपन क्लोज स्टेटस आएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो CB का ओपन क्लोज स्टेटस आएगा वो हमारा सिंपल, इसमें कोई भी बाइनरी इनपुट नहीं है, क्योंकि कोई भी बाइनरी इनपुट असाइन नहीं किया हुआ है, वो हमें CFC के थ्रू लेना पड़ेगा। अब यहाँ तक हमारे इनपुट हो गए हैं, मैं सारे इनपुट नहीं ले रहा हूँ एज पर ड्राइंग्स, जो हमारे ये सब इनपुट थे जैसे SF6 लो या DC सप्लाई हेल्दी अनहेल्दी, 8612 ऑपरेटेड नॉट ऑपरेटेड, ये सब, क्योंकि ये सब जितने भी सिग्नल्स होते हैं वो एग्जैक्टली सेम टाइप से कॉन्फ़िगरेशन है जैसा कि हमारे 7SA522 के केस में होता है। 8612 का रीसेट के लिए कमांड एक होता है, वो हम ले सकते हैं, वो इसलिए लेना जरूरी है क्योंकि वो आप देखेंगे वो अलग टाइप का कमांड होता है, जो कि हमारा होता है कंट्रोल विदाउट फीडबैक, क्योंकि 86A जो हमारा होता है वो सिंगल कमांड्स होता है, और सिंगल कमांड में हम सिंपल सा ले लेते हैं 86 कंट्रोल विदाउट फीडबैक। क्यों? क्योंकि अब आपको फीडबैक इसमें जो है 86 रीसेट करना है, हमें 86 जैसे हम रीसेट करेंगे, हमने कमांड एग्जीक्यूट किया, हम ये मान के चलते 86 रीसेट हो गया, इसकी फीडबैक की रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं है, क्योंकि अगर आपको 86 रीसेट हो गया है तो ऑटोमेटिकली जो है हमारे जितने भी सर्किट है उसके अंदर सपोज ब्रेकर का इंटरलॉक है तो इंटरलॉक आपका ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा, तो आपको वैसे ही पता चल जाता है कि 86 रीसेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो इन दो सिग्नल को भी मैं यहीं पर ही ले लेता हूँ, ये हमारा आ जाएगा 86.1 रीसेट एंड नेक्स्ट हमारा है 86.2 रीसेट। इन्हीं सिग्नल का इन्हीं का नोमेनक्लेचर अब मैं इस साइड में भी कॉपी कर लेता हूँ, 86.1 रीसेट 86.2 रीसेट। अब हमने इनपुट वाला साइड देख लिया था, नेक्स्ट हमारे पास क्या बचता है, आउटपुट वाला साइड कॉन्फ़िगरेशन के लिए। आउटपुट वाले कॉन्फ़िगरेशन के लिए अब हम कहाँ पे आएंगे, आउटपुट वाले साइड में आएंगे, तो मैं आ गया आउटपुट वाले साइड में। और सबसे पहले हमें अब जो है आपको एज पर स्कीम देख लीजिए, मान लीजिए कि हमारे स्कीम के हिसाब से ब्रेकर का जो कमांड है वो है ओपन क्लोज के लिए 1 2, तो जैसे आप इसको कॉन्फ़िगर करेंगे तो हमेशा फर्स्ट ट्रिप रहेगा और सेकंड क्लोज रहेगा। सेम वे आप आइसोलेटर के लिए कर सकते हैं, तो आइसोलेटर के लिए मान लीजिए 89A के लिए 3 4 है, 89B के लिए मान लीजिए ड्राइंग के हिसाब से 5 6 है, और 89AE के लिए मान लीजिए ड्राइंग के हिसाब से 7 8 है, लेकिन हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि 89AE जो है इसका ओपन क्लोज जनरली AIS सर्किशंस में नहीं रहता है BCU के थ्रू, BCU के थ्रू 89BE का भी नहीं रहेगा। तो ये हमारा 89 सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर का हो गया। अब नेक्स्ट जो है मान लीजिए कि आपका जो है 7 नंबर जो है वो 86.1 रीसेट के लिए है, तो हम 7 नंबर पे 86.1 ले लेते हैं। 8 नंबर मान लीजिए 86.2 रीसेट के लिए है, फिर 2 इंटरलॉक मान लीजिए कि कोई भी एक इंटरलॉक है, 89A का मान लीजिए 9 नंबर है, और सिंगल पॉइंट सिग्नल है, हमेशा हम अनलैच्ड लेंगे इंटरलॉक, ऐसा नहीं है कि एक बार पिक हो गया तो लाइफ टाइम पिक चाहिए, हमें अनलैच्ड सिग्नल होगा। 89A, B, AE, B जितना भी है इन सभी का इंटरलॉक ले लिया। यहाँ तक लेने के बाद अब हमारे पास जो सबसे मेन है वो है कि क्या ब्रेकर का, आपको पता है आर फेज, वाई फेज, बी फेज का स्टेटस तो हमारे पास है, लेकिन थ्री फेज स्टेटस CFC से बनाना है। CFC से बनाना है मींस हमें थ्री फेज स्टेटस जो है वो CFC से लेके आ रहे, तो हमें इसका जो DP सिग्नल है वो CFC से इसका आएगा, तो CFC से कॉन्फिगर होगा। और ये कौन से 3 सिग्नल से बनेगा, आर फेज, वाई फेज, बी फेज वाले से बनेगा, तो आर फेज, वाई फेज, बी फेज वाले का अब हम यहाँ पर कॉन्फिगर कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया आर फेज, वाई फेज और बी फेज। यहाँ तक होने के बाद अभी आपको इनमें से जो आइसोलेटर और ब्रेकर्स है उनको आपको कंट्रोल एंड डिफॉल्ट डिस्प्ले में भी चाहिए, तो इसको हम कंट्रोल एंड डिफॉल्ट डिस्प्ले में भी ले लेते हैं। आइसोलेटर ले लिया है, ये हमारा आइसोलेटर आ गया, इसी टाइप से दूसरा वाला आइसोलेटर ले लेंगे क्योंकि ये भी हमें चाहिए, और
स्टेप से मैंने सारे सिग्नल कॉन्फ़िगर कर लिए। फिर हमारा जो है आपका इंटरलॉक बचता है। इंटरलॉक सबसे पहले ये है, इंटरलॉक में देखेंगे तो मैंने आउटपुट साइड में कॉन्फ़िगर किया। आउटपुट साइड मीन्स जब इंटरलॉक पिकअप हो जाएगा तो ये आउटपुट हाई हो जाएंगे और ब्रेकर या आइसोलेटर जहाँ पे भी इंटरलॉक जा रहा है वहाँ पर आपका इंटरलॉक के डीसी पहुँच जाएगी। लेकिन इंटरलॉक हाई होने के लिए कंडीशन चाहिए, तो दैट मीन्स इंटरलॉक के कंडीशन हाई होने के लिए हमें जो कंडीशन चाहिए उसके लिए कुछ सीएफसी क्रिएट करना पड़ेगा। तो इन सभी के लिए सीएफसी के सोर्स साइड में मास्किंग कर देंगे। तो यहाँ से मैं आइसोलेटर्स का इंटरलॉक के लिए बना देता हूँ। अब ये आइसोलेटर के स्टेटस आएंगे कैसे, मतलब आइसोलेटर के इंटरलॉक कैसे बनेंगे, दूसरे वाले आइसोलेटर्स या अर्थ स्विच या ब्रेकर के स्टेटस के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। तो दैट मीन्स उस वाले साइड में मुझे सीएफसी में कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो दूसरे वाले साइड में मैंने जितने भी अपने सिग्नल से डीपी सभी को कॉन्फ़िगर कर लिया है, जिससे कि मुझे इंटरलॉक बनाने के लिए आसान हो जाए। 89B भी ले लेता हूँ, 89 यही तो पहले ले लिया था। तो इस टाइप से मेरे पास सारे स्टेटस आ गए। अब यहाँ तक होने के बाद क्या आपको ये 89A वगैरह कंट्रोल मेन्यू में भी चाहिए, तो यह समय वहाँ भी चाहिए। तो हम कंट्रोल मेन्यू में भी 89A का कमांड ले लिया, क्योंकि कमांड ही आएगा कंट्रोल मेन्यू में। सिंपल डिस्प्ले तो हमारा यहाँ पर आ गया है, कमांड जो है वो कंट्रोल मेन्यू में आ जाएगा। तो सेकेंड वाला भी ले लेते हैं। 89A ही तो वैसे हमें चाहिए नहीं, तो 89A ही छोड़ देता हूँ और सिंपल बस जो है अब मैं ब्रेकर को ले लेता हूँ। तो इस टाइप से आपके सारे जो है मेजर इनपुट्स, मतलब ब्रेकर, आइसोलेटर्स, उनके स्टेटस, उनका कमांड, उनके इंटरलॉक और उनके काउंटर्स जो है वो कैसे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं ये हमने देखा है। अभी हम इसी के BCU के इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन का एक सेशन और करेंगे। उस सेशन में हम इसके सिंगल पॉइंट सिग्नल्स कैसे कॉन्फ़िगर किए जाते हैं, BCU के सिग्नल को कैसे हम सिंगल पॉइंट सिग्नल को लिंक करते हैं ऑटो रिक्लोजर के केस में, AR स्टार्ट के लिए या फिर ब्रेकर स्टेटस जो हम लिंकिंग करते हैं AR क्लोज कमांड बनाने के लिए या AR साइकिल एग्जीक्यूट करने के लिए, वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। उसके बाद फिर हम अब जो ये इंटरलॉक्स या जो हमने काउंटर्स ऐड किए हैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे किए जाते हैं, इंटरलॉक के लिए लॉजिक्स कैसे क्रिएट किया जाता है, वो हम एक सेपरेट सेशन में करेंगे। VT सिलेक्शन लॉजिक्स भी एक और सेशन में, जहाँ पर हम CFC कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे वहाँ पर करेंगे। क्योंकि अगर हम एक ही सेशन में सब कुछ करते हैं तो हमारे क्या अननेसेसरली सेशन बहुत लंबा हो जाएगा और जो अंडरस्टैंडिंग है वो उतनी क्लियर नहीं होती है। इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप करके करेंगे, जिससे अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो और अच्छे से समझ में भी आए। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला सेशन आपको समझ में आया होगा और इस सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम अभी जो मैंने आपको बताया था उन सब टॉपिक को एक एक करके कवर करने की कोशिश करेंगे और आप इसको प्रैक्टिस करिए, जितना खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आपको क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक इसी के कंटिन्यूएशन सीरीज में, जिस जहाँ से कि हम इनको और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकें और उम्मीद करेंगे कि आप अच्छे से समझ सकें। और अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, जिससे कि मैक्सिमम लोग इन सब वीडियोज़ के साथ इनके कंसेप्ट को समझ सके, इससे अवगत हो सके और वो उसे इम्प्लीमेंट कर सके, जो कि हमारा मेन मकसद है कि सभी प्रोटेक्शन इंजीनियर्स इन चीज़ों को समझ सके, इनको इम्प्लीमेंट कर सके, तो उसको हम अचीव कर सकते हैं। और अगर आपको कंटेंट सही नहीं लग रहा, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम आने वाले सेशन में उनको इनकॉर्पोरेट करते हुए और अच्छे से कुछ अगर नया कर सकते हैं तो वो करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, इन्जॉय करिए, लर्न करते रहिए। गुड बाय।